अच्छा जी, रूम से अगर जब हम बाहर निकलते हैं तो लिफ्ट के थ्रू एक्सीलेटर -1 में आएंगे तो नीचे ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे बुफे वगैरह टाइमिंग होती है इनकी। ये आपको टाइमिंग भी शो करवा देते हैं। यहाँ पे ये देखें, सारी टाइमिंग मेंशन है कि किस टाइम ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सारी टाइमिंग आपको इसमें नज़र आ रही होगी। रेस्टोरेंट रूल्स, ठीक है जी, ये रूल्स हैं सारे इसके। तो ये देखें, इसके साथ ही शॉप्स बनी हुई हैं। आप लोगों को अगर दिल करता है ज्वेलरी वगैरह बाय करने की, तो ज्वेलरी की सारी शॉप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये सारी लिफ्ट्स, 4-5 लिफ्ट्स हैं, ये सिर्फ एक सेक्शन है लिफ्ट्स का, दूसरी साइड पे भी हैं आप अपने रूम्स में जाने के लिए। ये एडवांटेज ये है कि आपको रूम से सीधा किसी भी फ्लोर पे जाना, तो शॉपिंग के फ्लोर पे आना है। अच्छा यार, मज़ेदार चीज़ ये लगी है कि आपको बाहर किसी सिटी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाएंगी। एक ही लोकेशन में आपको हर चीज़ मिली है। बैग्स की शॉप्स हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, कपड़ों की शॉप्स हैं। ये देखें, बैग्स की शॉप्स हैं सारी यहाँ पे। ये चेक करें, ज़बरदस्त, क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया ना इस मामले में। तुर्की तो क्या बात है ना, तुर्की, यही तो एडवांटेज है कि तुर्की से, अच्छा मेड इन तुर्की है सब, कोई मेड इन चाइना नहीं है इधर। और तो प्राइस भी आपके रेंज में है जी, सब जो दिल करता आप ले सकते हैं, एक्सपेंसिव नहीं है। क्या देखें, इनके पास वैरायटी बड़ी हुई है। लुई वुइटन की भी देखें, चेक करें, ज़बरदस्त यार। हेलो, चेक करें वैरायटी इनके पास, क्या ज़बरदस्त वैरायटी यार, क्या ज़बरदस्त बैग्स हैं यार। ये चेक करें यार, कसम से हसन भाई, दिल तो करता है कि सारी शॉपिंग इधर से ही कर लें हम। हैं, हेलो सर, हाउ आर यू। तो ये देखें जी, अच्छा जेंट्स की और लेडीज़ की वैरायटी सारी अवेलेबल है यहाँ पे। आपको कुछ जेंट्स बैग्स चाहिए वो सारी ये लगे हुए हैं इनके पास। यहाँ पे आर्टिकल्स जूतियों के भी हैं, देखें, वेरी नाइस। बेहतरीन है जी, ज़बरदस्त बेहतरीन है। अच्छा एक मैं बैक इन से प्राइस वैसे पूछते हैं कि क्या चल रही है। कैन यू टेल मी द प्राइस फॉर दैट बैग, दिस वन। एक प्राइस पूछ लेते हैं इनसे, दिस वन 200 200 का बैग दे रहे हैं जी ये। €300 अच्छा ये सारी प्राइसेस यूरो में बता रहे हैं, तो यूरो में आपने देखना है कि यूरो की प्राइस क्या चल रही है। अच्छा ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोन शॉप है जी, मोबाइल शॉप, चार्जर, मोबाइल्स, वो भी हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाती है। यानी टाइटैनिक की बेसमेंट में आपको ऑलमोस्ट समझ लें कि दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है, कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ये देखें सामने मिनी क्लब, ये मिनी क्लब है ना इधर, ठीक है। मीटिंग रूम्स हैं यहाँ पे, लॉबी, सिनेमा, रिसेप्शन। अच्छा ये यहाँ पे भी फाइन स्पा, अच्छा स्पा भी है आपके इनके अंदर ही है। इनसे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा फिर उसके क्या मामला है। तो लें जी, इधर जैसे हमें इजाज़त मिल गई, इन्होंने कहा कि वीडियो बिल्कुल बना सकते हैं आप। तो ये इनके देखें स्पा सेंटर है टाइटैनिक का, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी एटमोसफेयर, बड़ा बेहतरीन माहौल लग रहा है, देखें बहुत सफाई है। हेलो सर, हाउ आर यू। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। तो ये देखें जी, इनके पास सारे क्रीम्स वगैरह अवेलेबल हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए, जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो सारी इनके पास। ये परफ्यूम्स, शैम्पू, जेल, हर चीज़ अवेलेबल है। ले आपको लेके चलते हैं अंदर, तो अंदर का व्यू भी करवाते हैं। हाँ हसन भाई, ये रिलैक्स करने के लिए देखें सीटिंग रखी हुई इन्होंने यहाँ पे, यानी आफ्टर आप स्पा और स्विमिंग के बाद आप यहाँ पे आके तो रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ज़बरदस्त यार, बेहतरीन है, बेहतरीन सीटिंग्स हैं देखें। हसन भाई चलें साथ साथ लेके चलते हैं आपको भी साथ। ये देखें जी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फिटनेस सेंटर, मसाज रूम, डॉक्टर, तुर्की सोना, एवरीथिंग इंडोर द पूल। हेलो, हाउ आर यू। तो ये राइट हैंड साइड पे अभी एंटर हुए हैं अभी हम, तो
यानी कि इसका मतलब है कि जितने भी रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे उनके अपने इंडोर पूल्स स्पा वगैरह सबके साथ साथ ही हैं। तो ये जी इंडोर पूल इस साइड पे है, तुर्किश बाथ भी इधर है, सोना भी इधर है। अच्छा मैन ड्रेसिंग रूम पहले ये है राइट पे, ठीक हो गया। ये बेसिकली चेंजिंग रूम है सारा यहाँ पे ना, ठीक है। ये बाहर टॉयलेट्स वगैरह हैं। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आएंगे अभी हम, तो ये इंडोर स्विमिंग है, वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ नोट करें कि इधर ने पूरा बार सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, ये लेडीज़ के लिए एंट्रेंस है यहाँ पे आई थिंक सो। ज़बरदस्त, ये चेक करें जी, इन्होंने पूरा सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे, सारा इंडोर। हसन भाई ज़बरदस्त, वेरी नाइस है यार। तो उसके साथ इन्होंने विटामिन बार भी आई है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा यानी कि आप साथ तो स्विमिंग करें, साथ साथ इनसे ड्रिंक्स लें, जूस आपकी मर्जी, एप्पल जूस लेने हैं, गोरों ने अपने जूस ड्रिंक्स जो भी पीने होते हैं, मिनरल वाटर्स अवेलेबल हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू, थैंक यू वेरी मच। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑरेंज जूस है इनके पास, इसके अलावा दूसरे जो भी जो फिजी ड्रिंक्स हैं वो हर चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पे इनके पास। यानी स्विमिंग करें और साथ स्विमिंग के साथ साथ आप जूस वगैरह पिए, बड़ा इजी बेहतरीन माहौल है। हसन भाई चलें यहाँ से, निकलते बाहर। अच्छा आउटडोर भी है यहाँ पे, ठीक है, इस साइड पे आउटडोर है। अच्छा वो आगे लेफ्ट, वो बिल्कुल एंड पे जकूजी है, ये बच्चों के लिए सेक्शन ये बनाया हुआ इन्होंने साथ। अच्छा ये आउटडोर है जी, यहाँ से आउटडोर की तरफ चलते हैं। आउटडोर में भी थोड़ी बारिश, ठंडा माहौल है बाहर का सारा। हेलो, ये चेक करें जी, हीटेड है सारा, पानी को ज़रा टच करके देखते हैं कि पानी का माहौल गर्म है कि नहीं है। हसन भाई ये आपको टच करना पड़ेगा, गर्म ही है जो आपको नजर आ रहे हैं। वार्म, वेरी नाइस, ज़बरदस्त यार, क्या ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये टाइटैनिक का माहौल चेक करें आप, लग रहा है ना जैसे क्रूज से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। अच्छा आपका मूड, अच्छा वो देखें जी इसके अंदर, वो भी आपको नज़र आ रही हैं, डॉल्फिन्स अंदर ही हैं इसके, आपको दिखाते हैं जी डॉल्फिन्स। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये डॉल्फिन्स हैं जी सारी। तो हसन भाई का फुल मूड बना हुआ है जी, इन्होंने आउटडोर स्विमिंग करनी है आज, ये इन्होंने जकूजी छोटा सा ये बनाया हुआ है। तो अगर मौसम अच्छा होता तो सन बाथ लेने का भी अखीरी मज़ा आना था यहाँ पे यार, बड़ा ज़बरदस्त माहौल हो जाना था। हसन भाई पसंद आया यार टाइटैनिक का, इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा उस साइड पर बीच है सारा, चलो अभी हम बीच की तरफ चलते हैं, पहले अभी हम अंदर टूर कर लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे हसन भाई फुल टाइम स्विमिंग करते हुए, क्या बात है, जबरदस्त। स्विमिंग का फायदा तभी है इंसान को स्विमिंग पूल में जाने का जब स्विमिंग आती हो, तो हसन का ये एडवांटेज है सर को, देखे ना माशाल्लाह बेहतरीन स्विमिंग कर रहा है यार, पानी बड़ा जबरदस्त वार्म हुआ भाई। ये जी टाइटैनिक रिजॉर्ट का जो है ना स्विमिंग पूल है इंडोर। तो हसन का मूड बना था जी स्विमिंग करने का, तो गया रूम में जाके चेंज करके, तो फौरन स्विमिंग करने आ गया यहाँ पे। चलो देखें, एक जगह स्टिल हो गया, क्या बात है, पानी बिल्कुल ना देखें एच टू एच बाहर आता है भाई। आगे इन्होंने जालियां लगाई हुई है, नहीं ऐसा नहीं यार अभी प्लान कोई नहीं है, वैसे भी अभी पता है कपड़े हमारे रिजॉर्ट में पड़े हुए हैं ना, ना कोई नहीं इंशाल्लाह आप करो। बड़ा ज़बरदस्त अंदर इंडोर स्विमिंग पूल बना हुआ जी, दो जकूजी हैं लेफ्ट एंड राइट पे, और मिडल में देखिए स्विमिंग पूल है।
अच्छा जी, अभी यहाँ से हम जा रहे हैं जी आफ्टर स्विमिंग तुर्किश बाथ, सोना स्टीम बाथ, आइस कर्डोटो। यहाँ पे अभी आएंगे, यहाँ पे है जी तुर्किश बाथ। यहाँ पे ही देखें, एक दफ़ा देख लेते हैं डोर ओपन करके क्या मामला था यहाँ के। अच्छा ये देखें जी, फुल अंधेरा चल रहा है, फुल वार्म हुआ है रूम, बहुत ज़्यादा वार्म है। हम निकलेंगे यहाँ से बाहर। अच्छा ये जी फिटनेस रूम आ गया यहाँ पे सारा। ये देखें जिम का सेक्शन है, सही ठीक ठाक बड़ी जिम बनाई हुई है इन्होंने यार, चेक करें बेहतरीन। ट्रेडमिल्स भी, क्या ज़बरदस्त किस्म के ट्रेडमिल्स हैं इनके पास, मैक्सा टेक्नोलॉजी वाली देखें। बेहतरीन साइकिलिंग के लिए भी है। तो ये था जी सोना बाथ, तुर्किश बाथ, स्विमिंग, फिटनेस, ये टाइटैनिक का जो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ऑल इंक्लूसिव में इंक्लूड है ये सब कुछ। तो बस अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर, हसन भाई हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी बस अभी हम निकलते हैं बीच की तरफ। अच्छा एक और चीज़ जो मज़े की है, देखें डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू हो जाता है यहाँ पे, वरना बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है, गिर जाता है कुछ भी, तो डॉक्टर्स की फैसिलिटी इनकी अपनी अवेलेबल है। अच्छा मैं देख रहा था हमारे रिजॉर्ट में बिल्कुल था, तो इधर भी है लिफ्ट, या लिफ्टें बहुत ज़बरदस्त लगी हुई यहाँ पे ना, खूबसूरती बहुत है माशाल्लाह, फ्रेशनेस, हर चीज़ फ्रेश है, कोई आर्टिफिशियल नहीं कोई। अभी देखें कि दरख्त लगे हुए हैं तो सब फ्रेश लगे हुए हैं, ओरिजिनल लगे हुए हैं। हाँ ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं जी, देखें चेक करें। जी अभी हम एंटर हुए जी मिनी क्लब में, तो हसन भाई कह रहे थे कि यहाँ पे मिनी क्लब देखने का बहुत ज़बरदस्त आपको मज़ा आएगा, तो क्यों ना आपको व्यू कराया जाए। क्या बात है, चेक करें जी, जबरदस्त। आर यू रेडी? आई एम रेडी। अच्छा ये किड्स एरिया है जी, बच्चों के लिए, जो लोग फैमिलीज के साथ रहते हैं बच्चों के लिए। देखिए किड्स क्लब बनाया हुआ है यहाँ पे सामने, ये एडल्ट्स के लिए, जबरदस्त। देखो गेम्स सेक्शन है सारा ये। चेक करें यार, हसन भाई वेरी नाइस यार। अच्छा ये राइट हैंड साइड पर प्ले स्टेशन 5 के लिए इन्होंने सेटअप बनाया हुआ सारा, जबरदस्त। अच्छा हसन भाई सब ऑल इंक्लूसिव फ्री? ये सब फ्री है जी, जो लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं उन सब के लिए ये फ्री है प्ले स्टेशन 5। यानी आप सिटिंग करें यहाँ बैठे अपने अपने सोफे पे बैठ के, तो अपनी मर्जी से आप जो मर्जी प्ले करना चाहते प्ले कर सकते हैं। वेरी नाइस, देखो काफ़ी ज़्यादा सीटिंग्स हैं यहाँ पे, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ से भी हम निकलेंगे बाहर। हसन भाई ज़बरदस्त यार, ये भी बेसिकली देखा जाए तो बच्चों के लिए परफेक्ट जगह ये। हाँ डर्स भी आ सकते हैं, ये स्नोकर्स चेक करें, टेबल्स देखें यार। अच्छा बार भी ये साथ है, ये इंक्लूड है फ्री में है ये भी, यानी कि अगर आपको कोई ड्रिंक्स यूज़ करनी है, कुछ तुर्किश चाय पीनी है, आप तुर्किश चाय, कावा, जूसेस, ड्रिंक्स, एवरीथिंग आप इनसे ले सकते हैं। ये देखें यार क्या सीटिंग है इनकी, ज़बरदस्त। यहाँ पे सारे पूल्स बने हुए हैं, स्नोकर पूल हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हसन की फेवरेट जगह आने वाली है जी, आप रेडी रेडी हो जाएं, अभी आपको दिखाते हैं। मुझे पता चल गया आवाज़ें आ रही है मुझे।
हाँ जैसे जस्ट लाइक क्लब में म्यूजिक वगैरह ठीक हो गया, स्टेज वगैरह बेसिकली। ये देखें जी सबसे मेन ज़बरदस्त फेवरेट जगह है इनकी बॉलिंग, चेक करें जी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, रियली नाइस। हसन भाई मुझे पाकिस्तान याद आ गया, पाकिस्तान इस्लामाबाद याद आ गया। याद है आपको इस्लामाबाद में हम लोगों ने बॉलिंग की थी। तो ये देखें यहाँ पे ये सिटिंग वगैरह सारे इनके बंदे बैठे होते हैं जो रेडी करके देते हैं। इनकी पता नहीं टाइमिंग है शायद, हाँ ये टाइमिंग लिखी हुई जी इनकी, ये टाइमिंग है बॉलिंग की। तो लें जी चलते हैं बाहर, ज़बरदस्त हसन बाहर की सिटिंग चेक करें। जिस किसी का दिल करता है ड्रिंक्स वगैरह खाना वगैरह कुछ खाना पीना कुछ भी, तो यहाँ पे बाहर आके वो आप लोग इजीली बैठ सकते हैं। आला कार्ड भी यूज़ होता है, बुफे भी यूज़ हो सकता है यहाँ पे, ज़बरदस्त। नहीं जनाब अभी हम लोग निकले हैं बाहर की तरफ होटल की, यानी कि रिजॉर्ट की मेन अट्रैक्शन जो अंदर थी वो सारी हमने देख ली। अभी हसन भाई हमें लेके जा रहे हैं बाहर बीच की तरफ। ये देखें जी आई लव टाइटैनिक, क्या बात है जी, ज़बरदस्त लग्जरी है जी। ये इनके वाटर विला से इनके सामने ना पूल लगता है हर विला के सामने, ज़बरदस्त। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं जी इनके प्राइवेट बीच पे। ये देखें क्रूज खड़ा हुआ, ये सारा दिखाते हैं अभी आपको, ये चेक करें। ये आपका जो आवाज़ें आ रही हैं ये पूल है यहाँ पे, स्विमिंग पूल जो आउटडोर का है, जो इनडोर का वो भी आपने देख लिया। यहाँ से बस अभी हम जा रहे हैं बीच की तरफ, प्राइवेट बीच। अच्छा ये जो विलास बने हुए ये वाले, ये अलहदा बनाए हुए इन्होंने, टाइटैनिक की प्रॉपर्टी है ये, टाइटैनिक की सारी प्रॉपर्टी टाइटैनिक। अच्छा ये देख रहे हैं आप, जो कोई चाहता है कि हम लैदा प्राइवेट विलाज लेने तो वो लैदा प्राइवेट विलाज भी बुक करवा सकते हैं इनसे। थ्री बेडरूम होगा, फोर बेडरूम होगा ऐसे, है ना। ये है ना वो डॉल्फिन इधर भी रहे थे ना। ओके रुखसार भाई लास्ट टाइम इधर बैठे गए हैं। ओके ये जी हमारे जो कज़न है रुखसार भाई, जो समीर जिनके घर का मैंने लास्ट टाइम लग्जरी घर का व्यू करवाया था आपको, ये वो इधर इन्होंने विजिट किया था, इधर रह के गए थे। डॉल्फिन नाम है जी इधर, डॉल्फिन डॉल्फिन रिजॉर्ट है, साथ साथ ही है इसका मतलब है ये। अच्छा जी ये कुछ एरिया आपको दिखाना है मैंने, बेसिकली टाइटैनिक का फ्रंट जो है ना ये है, इन्होंने अभी विंटर में बंद किया हुआ फ्रंट, बैक भी लग रहा था जैसे फ्रंट ही है, यकीन करें मुझे तो पता ही नहीं था, अभी पीछे आए तो पता चला कि बेसिकली देखा जाए तो ये जो है एरिया सारा फ्रंट का है। अभी इन्होंने पूरा आई थिंक कुछ काम हो रहा है, ये समर में ओपन करेंगे। ये सारा एरिया देखिए इन्होंने बंद किया हुआ यहाँ पे इस टाइम, ये कंप्लीट। तो एंट्रेंस बेसिकली यहाँ से है, तो ये क्रूज़ की मेन एंट्रेंस है, देखें क्या ज़बरदस्त है यार माशाल्लाह। पर इधर से पता चलता है टाइटैनिक का यार, वाकई पता चलता है, जैसे वो रोज़ खड़ी हुई थी ना फिल्म में बिल्कुल स्टार्टिंग वो कोने पे, इस जगह पे यहाँ पे ये है जगह पे। हसन भाई अगर ये ओपन होता तो हम रहने और आपने इधर खड़े हो जाना था जाके। ओके अभी हम वहाँ गए हुए थे। ओके 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 अच्छा वहाँ जा सकते हैं। ले जी बिल्कुल अभी हम जाएंगे वहाँ पे, टाइटैनिक का पोज बनाएंगे तो उधर ही हमारी तस्वीर खींची जाएगी जनाब, चेक करें क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। मैं भी सोच रहा था कि टाइटैनिक पे तस्वीर उन्होंने डिफरेंट दी हुई है और यहाँ पे क्या वजह है, अब पता चला कि ये वो बैक एंड है ये फ्रंट है बेसिकली। तो अभी ये फिलहाल समर में इन्होंने क्लोज किया हुआ सारा, समर के लिए क्योंकि कुछ काम हो रहा, विंटर में क्लोज किया हुआ सॉरी। तो अभी देखते हैं आस्ता आस्ता आगे क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं हमें, बीच की तरफ जा रहे हैं फिलहाल अभी हम। फुटबॉल और टेबल टेनिस वगैरह, देखो ये सब कुछ इसके अंदर है ये वाला है, ये बर्लिन में ब्रांच है इनकी डिफरेंट, ज़बरदस्त। ये बॉर्डर में जो टर्की में ही है उनका, अच्छा टाइटैनिक की जो ब्रांचेज हैं सारे उसके बोर्ड लगाए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने, लेकिन जो असल टाइटैनिक का जो शेप है ना वो यही वाला, वो यही वाला ठीक है। सबसे जो मैंने रात को भी इधर बड़ा उन्होंने लाइटिंग शेडिंग की। अच्छा ये चीज़ अच्छी लगी है मुझे कि इनके रिजॉर्ट्स के अंदर से ही हम बीच की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट बीच जो होते हैं, प्राइवेट बीच बनाया हुआ है इन्होंने, तो ज़बरदस्त है यार, वेरी नाइस। नहीं जी अभी हम आ चुके हैं जी बीच पे, ये टाइटैनिक का प्राइवेट बीच है। ये देखें सारे हट लगे हुए हैं, ये सब टाइटैनिक के हैं।
टाइटैनिक क्रूज का अपने हट हैं सारे, ये सामने क्रूज नज़र आ रहा है आपको, देखें। अभी अल्लाह का शुक्र है कि रश इसलिए नहीं है कि सीज़न नहीं है, वरना यहाँ पे तो जगह ना मिले। तो अभी आज बारिश हो गई है ना। हाँ, बारिश होने की वैसे भी है। तो इधर से लेफ्ट जाएं, ये देखें जी, वही तो कह रहा हूँ, मना दरवाजे हट से फुल होते होंगे यार। ओके, ये देखें जी, ये जी टाइटैनिक का अपना मिनी बार है, यानी स्विमिंग करें और साथ आप खाएं पिएं, ड्रिंक्स, जूस, चाय, एवरीथिंग। ये देखें कॉफ़ी, ये हमारी मानो भी बैठी हुई है इसके ऊपर, मानो सर्फ कर रही है, ये कह रहे मिनी बार ज़बरदस्त किस्म का। तो ये है जी, देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त है। अभी हम चलते हैं आपको आगे लेके, इस साइड से चलते हैं ताकि नीचे ज़रा थोड़ी रेत है यार, हम लोगों ने शूज़ कुछ वैसे ही पहने हुए हैं। हसन भाई ज़बरदस्त है यार, बहुत नाइस। हाँ ये है जी मेन होटल इनका, अट्रैक्शन जहाँ से नज़र आती प्रॉपर चेक करें। बेसिकली इन्होंने शिप का मुंह जो ना इस साइड पे किया हुआ है, बीच की तरफ, बैक साइड पे इसकी बैक है। तो ये साथ डिफरेंट होटल है, ये कोई और होटल है, ये वाला मेडिकल के नाम से। क्या ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं यहाँ पे, वो सब ओरिजिनल है जी, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये चेक करें, ज़बरदस्त। ये है जी लारा बीच मेन, एग्जैक्टली ये इनका प्राइवेट एरिया है सारा, यहाँ पे मोस्टली जो पीपल्स खड़े होंगे सिर्फ समझने के टाइटैनिक के ही पीपल्स होंगे यहाँ पे। अच्छा ये आगे इन्होंने कुछ काम करने के लिए बंद किया हुआ है, ये ठीक, और एज ए रिपेयरिंग इन्होंने इसको बंद किया हुआ है, वरना हम वहाँ एंड तक जा सकते हैं। देखिए एरिया इन्होंने क्लोज कर दिया यहाँ से। कौन सा सी है ये? वेजिटेरियन, मेडिटेरियन। अच्छा मेडिटेरियन सी है जी ये। वेरी नाइस, पानी गर्म होगा या ठंडा होगा? ये तो ठंडा होगा, ठंडा है ये। अच्छा सैंड चेक करें कितनी क्लियर है यार ये। जबरदस्त, क्या बात है जी माशाल्लाह। गर्मियों में लोगों को यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती होगी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सारे हट्स बने हुए हैं, तो पूरी पूरी फैमिलीज यहाँ पे आके बैठती होंगी। मार्च से आगे दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मार्च से सीज़न स्टार्ट हो जाना, तो फिर वैसे ही रश स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है जी सारा एरिया प्राइवेट टाइटैनिक का, बीच का एरिया। यहाँ पर जो लोग टाइटैनिक में स्टे करके बैठे हुए हैं, जो लोग टाइटैनिक में स्टे करते हैं उनके लिए प्राइवेट बीच बनाया हुआ इन्होंने। वो कहता है उन्होंने, देखें आगे जो आगे आप देख रहे हैं वो डिफरेंट रिजॉर्ट का होगा, उससे आगे डिफरेंट रिजॉर्ट्स, क्योंकि हर एक अपना अपना रिजॉर्ट्स का है। ये जी हसन भाई हमारे साथ हैं, चेक करें जी, हम बीच पे खड़े हैं इस टाइम, टाइटैनिक बीच पे। ये सारी इसकी फैसिलिटीज इन्होंने दी हुई है, जबरदस्त। ये सारा अपना नंबरिंग दी हुई है, पॉइंट है कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखें जी हसन भाई मुझे दिखा रहे थे, दिखाएं हसन भाई ज़रा इनका, जो जो फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी है, हर लोकेशन दी हुई, पॉइंट किया मैंने उनके यहाँ पर, ये जितनी भी जगह ये सब आपको इसमें इंक्लूडेड है हर चीज़। तो ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, कसम से हसन भाई मुझे तो ऑनेस्टली बात बताऊँ दुबई याद आ गया है। हॉलीडेज का एक अपना ही मज़ा है ना। सही बात है। तो चेक करें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त है, हो रहा
सही बात है। पर अच्छा जरा सर्दी फील नहीं हो रही, मैंने जैकेट पहन ली थी इस चक्कर में, मैं कहा यार पता नहीं कितनी सर्दी होगी। असल में देखिए देखिए माशाल्लाह आबाज भी पहने हुए इन्होंने, क्योंकि मौसम जरूर बारिश वाला है मगर टेम्परेचर 16-17 टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त, तो 16-17 तो यार इतना फील ही नहीं होता ना। तो हम तो आए माइनस में से जी, तो माइनस में एक बंदा आया हो तो फिर उसको तो पता लग जाता है यार ओहो इधर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। अच्छा देखो यार बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल खामोशी, दूर तक कोई बंदा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ये देखो बिल्कुल क्लियर है हर चीज़। तो ये है जी टाइटैनिक रिजॉर्ट बीच लारा में, तो एंटालिया तुर्की में। तो मैं इसका पूरी डिटेल आपको दे दूंगा हसन भाई इसलिए क्योंकि हसन भाई को पता है कि पैकेजेस कौन कौन से किस किस जगह के किस किस रिजॉर्ट के सबसे अच्छे थे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ज़रूर आइएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ, टाइटैनिक को भी रिकमेंड करता हूँ। जिधर मैं खुद ठहरा हूँ आस्का में, वो भी वेरी नाइस। अभी आस्का का बीच मैंने आपको दिखाना है, वो तो सीरीज़ चल रही है मेरी आस्का की, ये टाइटैनिक की आज एक मैंने सोचा था कि रिव्यू कराऊंगा कि हसन भाई कहाँ ठहरे हुए हैं, बीच कैसा है, इनके रिजॉर्ट के अंदर सारी लोकेशंस कैसी है, अंदर इनके रूम का रिव्यू आपको दिखाया है। तो यकीन आपको पसंद आया होगा। तो इजाज़त दें, इजाज़त लेते हैं आपसे हसन भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना प्लीज़, जो अभी आ रहा है, जो मुझे अभी देख रहा है, हमें चैनल को अभी देखना शुरू किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ अभी आगे आने वाली हैं। दूर नहीं जाना आपने, रहना इधर ही हो, बस क्लिक कर दें बेल आइकन को और सब्सक्राइब करें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।